बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, रेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी, वाइस एडमिरल करीम शौकत साहब, प्रोफेसर अनीस अहमद साहब, वीसी रिफा यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब, इकबाल चेयर बहरिया यूनिवर्सिटी, आज़म सऊद साहब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, असातिज़ा, अस्सलामु अलैकुम। It is indeed a matter of great pleasure for me to be here at the second international conference on Allama Iqbal, organized to commemorate his 144th birthday. मैं उर्दू में इस वजह से बात करना चाहूँगा कि आसानी से ख्यालात जहन में आ जाते हैं। With apologies to our guests who may understand English only. मुझे इस ऐसी महफिलों में बुलाकर मुझे अपने जहालत का अंदाज़ा बढ़ जाता है और ज़िंदगी में फिर सिर्फ यही बात मैं कर सकता हूँ आपके सामने कि इकबाल को और इकबाल के तखय्युलात को और तसव्वुरात का इर्तिका किस अंदाज से हुआ, वही बात मेरे जहन में भी किस तरह से आती है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और आज के लिए एक मेरा मौजू है जो पिछले 2-3 साल से मैं मुख्तलिफ अंदाज से रख रहा था सबके सामने, और वो मौजू ऐसा है जिसके ऊपर आज जब मुझे किसी ने कहा कि कोई पैगाम सोशल मीडिया पर इकबाल के हवाले से दें तो इकबाल का एक शेर जो है वो मैंने वहाँ पर कोट किया, एंड इट राइम्स एग्जैक्टली विद व्हाट आई वांट, कि जहाँ ने ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, जहाँ ने ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, के संग खिश से होते नहीं जहाँ पैदा। और पिछले 3 साल से मैं मुसलसल इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, और आज मैंने अंग्रेज़ी के अंदर डायलेक्ट के हवाले से इसका तर्जुमा किया को कि ऑयल ब्रिक्स एंड मॉर्टर अगले ज़माने के सितारों तक नहीं पहुंचाएंगे, सितारों तक जो चीज़ पहुंचाएगी हमें वो इन्फॉर्मेशन है, यानी नॉलेज, इंटेलिजेंस है कि नॉलेज का आप एनालिसिस कैसे करें, और उसके साथ साथ वो विजडम है कि उसको कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा, ये विजडम बड़ी अहमियत रखती है, इसको उर्दू में और तारीख़ के अंदर हिकमत भी कहा जाता है। ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, ये विजडम वो है कि किस वक्त क्या चीज़ की जाए। और इसके अंदर इस्लामी तारीख़ के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे कि जब जो इल्म उस वक्त था या जो कैफियत उन दिनों के अंदर पैदा हुई उसका एनालिसिस मंतिकी अंदाज से करें, और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले, वो है विजडम। सुलह हुदैबिया मिसाल के तौर पर वो है विजडम, क्या किस वक्त क्या करना है। तो इंटेलिजेंस और विजडम के अंदर ये फ़र्क है। तो जहाँ ने ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद, के संग खिश से होते नहीं जहाँ पैदा। और मेरा टोटल कंसंट्रेशन, और रेक्टर साहब वाकिफ़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स वाकिफ़ हैं कि जब भी ये मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं तो मैं इनसे कहता हूँ कि ज़माना इल्म के हवाले से बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, वो जो गाड़ी है उसकी रफ़्तार इतनी तेज़ हो गई है कि शायद दुनियाए इस्लाम और उम्मा इसका अंदाज़ा नहीं कर रही, इंसानियत को भी अंदाज़ा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन की क्या कैफियत बढ़ती चली जा रही है। तो अब जब मैं अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के को देखता हूँ तो मुझे एक तो वो कैफियत नज़र आती है जो मुझे और आपको आज मुतासर कर भी रही है, और उस कैफियत के हवाले से अल्लामा जब 1905 में 1902 में जब बाहर तशरीफ़ ले गए तो उनको वही कैफियत जो आपके अजहान में पैदा होती है, हमारा एक एक फ़र्द जब पाकिस्तान के बाहर जाता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई, तो अल्लामा को भी इस बात का एहसास हुआ। अच्छा, और हिंदुस्तान की तारीख के अंदर और अल्लामा को वो एहसास हुआ कि
कि दुनिया के जो आलम ईजाद में है साहब ईजाद, जो आलम ईजाद में है साहब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना। हम भी करते हैं, हम भी कर रहे हैं उसी का तवाफ़ जो आलम ईजाद का साहब ईजाद है। और हिंदुस्तान और इस इलाके के अंदर अगर आप इर्तिका के एतबार से सोच का इर्तिका देखें, और वो सोच मेरी और आपकी चल रही है, वो इर्तिकाई कैफियत बिल्कुल उसी तरह से है जो सर सैयद अहमद ख़ान को अंदाज़ा हुआ। और कब हुआ अंदाज़ा? 1857 का जुल्म अगर आपने देखना हो, जद्दोजहद आज़ादी, तो अगर कहानी के तौर पर पढ़ना हो, तारीख नहीं, विलियम डैलरिम्पल की किताब है द लास्ट मुगल, उसको आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो कि दिल्ली के सड़कों पर, रास्तों पर जिस तरह से खून बहाया गया, हज़ारों लोगों को मार दिया गया, ऐसा खौफ तारी हुआ हिंदुस्तान पर कि मेरा ख़्याल है 10 और 15 20 साल तो सिर्फ सकते में रही कैफियत। उस ज़माने में सर सैयद अहमद ख़ान ने सिर्फ़ एक बात की कि इल्म तलाश करो, इल्म को पकड़ो। मुसलमानों के अंदर आपको मालूम है, अगर सिंध के मुतालिक तारीख लिखी जाती है तो सिंध के अंदर कहा जाता है कि जो यहाँ का हिसाब किताब करने वाला बनिया था, उसने किताबों के अंदर वो कैफियत और वो जायदादें और जिस तरह से कर्ज़ देता था और उसके ऊपर सूद लगाता था, तो यहाँ के मुसलमानों को सिंध में पता ही नहीं था कि हुआ क्या और वो अपनी जायदादें खो बैठे। तो वो तो कम से कम इल्म के करीब था, मगर सर सैयद अहमद ख़ान को यह एहसास हुआ कि मुसलमान बहुत दूर है इल्म से। तो उनकी 1880 के ज़माने की जो जो मुसलमानों से गुजारिश है और मुसलमानों से दरख्वास्त है, वो ये है कि इल्म हासिल करो। फिर उनको ख़ुद एहसास हुआ कि सिर्फ इल्म नहीं, मुसलमानों का जिस अंदाज से एक्सप्लॉयटेशन है, तो मुसलमान कहीं ना कहीं अपने हुकूक़ की बात करें। और फिर आप ये देखिए कि अल्लामा इकबाल जब बाहर जाते हैं तो उनको दुनिया नज़र आती है। तो वो पहला दौर था जो बाहर जाने से पहले था, शायद बांगे दरा उस वक्त की उनकी तहरीर है। फिर 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है, और आप सोच देखिए कि अल्लामा इकबाल 1902 से पहले उनकी सोच ये थी कि एक यूनाइटेड इंडिया, हिंदू मुसलमान यकजहती के हवाले से। और जब बाहर गए तो मुसलमानों का हाल पर उनको अफसोस हुआ, तो लिहाजा इल्म की तलाश के हवाले से और मुसलमानों के दरमियान उनके लेक्चर्स इस बात पर, और जो वलीद इकबाल साहब ने बात फरमाई, उनका मोटिवेशन, और यही होता है लीडर्स अल्फाज के साथ। देखिए अल्फाज की बड़ी अहमियत है। अल्लामा इकबाल के ख्यालात को हम नसर के अंदर बहुत अंदाज से कह सकते हैं, मगर दो असहाब ने यहाँ पर कुरान की वो दुआ जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की थी, रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुद्दतुम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली, कि वो कम्युनिकेशन हो इस अंदाज से हो कि मेरी ज़बान खुले, इस अंदाज से हो कि मुझे हिम्मत हो, और इस अंदाज से हो कि लोगों पर उसका असर हो। तो कमाल है अल्लामा इकबाल की शायरी का कि जिस तरह से वो मुसलमान उम्मत को मोटिवेट करता है, शायद मेरा ख्याल है सैकड़ों सदियों के अंदर आप देखेंगे तो उस ज़बान से वो मोटिवेशन इंसानों को और मुसलमानों को कहीं से नहीं मिली। तो अल्लामा इकबाल ने तो मोटिवेट किया, मगर आप सोच देखें ना कहाँ से आ रही, मेरी और आपकी कहाँ से आई और वो भी कहाँ से आ रहे, कि 1902 और 5 के दरमियान जब वो बाहर गए तो बड़ा उनको अंदाज़ा हुआ कि इल्म कहाँ कहाँ तक पहुँच गया, फ़लसफ़ा कहाँ तक पहुँच गया, एटम को समझा, मॉलिक्यूल्स को समझा, सितारों को समझा। और फिर वो देखकर फिर हिंदुस्तान वापस आते हैं कि इस अनपढ़ कौम को कहा जाए कि इल्म हासिल करो। बहरिया यूनिवर्सिटी, मैं आप सब इस बात पर कोशा हैं कि इल्म हासिल किया जाए, और इल्म का कैफियत जो है वो अब किताबों से बहुत आगे निकल गई। और वो ज़माना फिर वही है कि जब 1906 के अंदर इजलास हुआ तो सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान जो पहले सदर बने, उन्होंने ये कहा एक और लीडर के मुतालिक, उन्होंने कहा कि देर इज़ अ बैरिस्टर इन
बॉम्बे, जो समझता यह है और कहता यह है कि एक यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए। तो 1905 के बाद अल्लामा इकबाल जब वापस आए तो सबको 15-20 साल की पुरअमन कोशिशों के बाद 1930 के अंदर अल्लामा इकबाल ने इंग्लिश के अंदर ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम के 5-6 लेक्चर्स दिए, जो मद्रास, अलीगढ़, अल्लाहाबाद के अंदर इन्होंने लेक्चर्स दिए, इंग्लिश के अंदर दिए। अच्छा, और कितने सोचते होंगे इंग्लिश में, वहाँ पर कितने लोग समझते होंगे, मगर क्यों? क्योंकि उनका पैगाम दुनिया इस्लाम के लिए था और यूरोप और मगरब के लिए भी था, और फिर उनके यही ख्यालात उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जाकर बताए, और अभी भी वो अब मुस्लिम स्टेट विद इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वो अभी भी इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट की बात नहीं कर रहे। और कायदे आज़म भी अब 1928 के करीब शायद वो मुस्लिम लीग के इजलास के अंदर और कांग्रेस के इजलास को एक शहर में करवाना चाहते थे कि वो दोनों जगह शरीक हो सकें। तो ये कोशिशें हैं अल्लामा इकबाल की। मगर इल्म के एतबार से जो वलीद ने बड़ी अच्छी बात की, वलीद इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अल्लामा इकबाल सितारों के एतबार से और एटम के एतबार से दोनों चीज़ें समझ रहे हैं, और मैं और आप, मेरे लिए तो बहुत ही एक ये कैफियत है कि मैं मुसलसल मुताज्जिब होता रहता हूँ कि जो साइंस दुनिया के अंदर जिस एतबार से चलती है कि अल्लामा इकबाल ने सितारों से जहाँ आगे जहाँ और भी हैं, और फिर ये साइंस जो है, जो अल्लामा ने सवाल किया और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट के अंदर भी उस बात का जिक्र है कि फिर क्या, कहाँ से शुरू, कहाँ से वो अल्लाह कहाँ है। तो साइंस जो है वो भी बिग बैंग तक पहुँच गई, उसने कहा कि जी एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग एंड देन द बिग बैंग हैपन्ड, यानी उससे पहले क्या कुछ नहीं, उसके बाद फिजिकल प्रिंसिपल्स एंड फिजिकल फार्मूलाज भी शुरू के 15-20 मिनट तक वो फार्मूलाज भी अप्लाई नहीं होते, उसके बाद फिर मैटर जिस तरह से पैदा हुआ और जो कैफियत हुई वो वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, हम जैसे लोग, अच्छा 200 साल पहले तो ये समझा जाता था कि ज़र्रा जो है सबसे छोटी चीज़ है, रेत के ज़र्रे उठा लें ये सबसे छोटी चीज़ है, तो अल्लाह ने, उससे पहले तो ये भी समझा जाता था कि दुनिया सबसे बड़ी चीज़ है कायनात में, फिर गैलीलियो ने कहा कि नहीं, दुनिया भी सूरज के गिर्द घूमती है और सूरज बड़ा हो तो वो मौत से बच गया, फिर कायनात का पता चला, अरबाह सितारे, अरबाह मिल्की वेज, अरबाह ये कैफियतें नज़र आईं। तो क्वांटिटी वगैरह तो इंसान की अब समझ में है नहीं, हम छोटे मोटे कीड़े भी कहना हमें ज्यादती है कायनात के एतबार से। अल्लाह का एहसान है हम जैसों के ऊपर कि कुछ हमें इल्म पता चल गया, और इल्म के अंदर भी अगर आप इन्फिनिटी के तौर पर कहें तो आपको इन्फिनिटली लेस पता है, इल्म है भी नहीं कुछ। तो अल्लामा ने बात की सितारों तक और इन लोगों को एक होप दिया, और फिर साथ साथ ये भी कहा जो आपके लिए बिल्कुल सही है, किस तरह कुंद हुआ, किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तर तहकीक, वाह किस तरह कुंद हुआ तेरा निश्तर तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक। और आजकल वो कैफियत है कि सितारों के जिगर चाक ये एटम्स के जिगर चाक भी कर रहा है इंसान। और एक अजीब और कैफियत आई जो आइंस्टाइन ने पहले कहा कि स्पूकी रिएक्शंस, जो इंसान की समझ में आज तक नहीं आया, स्पूकी रिएक्शंस, आइंस्टाइन ने गिव अप कर दिया वहाँ पर स्पूकी रिएक्शंस। और आप सब यहाँ पर प्रोफेसर वगैरह हैं, आपको ज़्यादा इल्म है कि ये समझ में नहीं आया कि क्वांटम लेवल पर जर्रे से छोटा एटम, एटम से छोटा फिर क्वांटा और हिग्स बोसॉन और ये सारी चीज़ें, कि क्वांटम लेवल पर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। और कल परसों ही मैं एक मजमून पढ़ रहा था जिसके अंदर मुआन के ऊपर, विच इज़ अ सब एटॉमिक पार्टिकल, कि उसकी मूवमेंट के अंदर एक स्पिन है, जो वर्चुअल पार्टिकल जो क्रिएट होते हैं, अल्लाह क्रिएट करता है कहीं से, कुछ इंसान को पता ही नहीं किस अंधेरे में वो फिर रहा है, कि वर्चुअल पार्टिकल्स उसकी स्पिन को मॉडिफाई करते हैं, क्रिएट होते हैं और वर्चुअल पार्टिकल्स ख़त्म हो जाते हैं। कुन फयकुन की कैफियत जहाँ सितारों में है, वहाँ माइन्यूटेस्ट ऑफ पार्टिकल्स के अंदर के वर्चुअल पार्टिकल्स, जिसका किसी को कुछ समझ में नहीं,
क्रिएट होते हैं और ख़त्म होते हैं। तो लिहाजा मैं आपसे ये बात कह रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर एक इर्तिकाई एतबार से अल्लामा इकबाल ने मोटिवेट किया इंसान को, और देखें मोटिवेशन ही चीज़ को आगे ले जाता है। हज़रत मूसा की दुआ अल्लाह ताला ने से उन्होंने की, क्योंकि वो भी खौफजदा थे फिरौन के दरबार में जाने के लिए, जो अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जाओ, तो अल्लाह ने कहा कि घबराए ज़बान के अंदर, उन्होंने कहा कि जी ज़बान के अंदर लुकनत है, दुआ की कि वो मुझे बोलने का ताकत दे। फिर अल्लाह ने एक और उनको ताकत दी इसीलिए कि उनको हिम्मत दिलाई जाए कि जाओ जिस महफिल में तुमने बात करनी है उसके लिए अल्लाह तुम्हें ताकत देता है कि तुम अपना हाथ अगर बगल में लगाओगे और निकालोगे तो उसमें से नूर निकलेगा। और फिर असाए मूसा भी दी जिसका आपने खुद पढ़ा। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये इकबाल का सबसे बड़ा हुनर है। एक एक शेर के अंदर मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगियों की सोच पेविस्ता है, और वो मुसलमान उम्मा को उठाता है। तो मैं आज समझता ये हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर पूरा अल्लामा इकबाल और मुस्लिम उम्मा के ऊपर पूरी अल्लामा इकबाल की मोटिवेशन, शायरी, कैफियत और वो जज्बा जो अल्लामा इकबाल चाहते थे, वो जज्बा वहाँ से निकलना चाहता है, निकलना चाहिए। और अल्लामा बार बार कहते हैं तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, मुसलसल मोटिवेशन। फिर अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म की सोच के अंदर भी 1930 से मेरा ख़्याल है 30 से 36 तक खतूत का आपस में एक्सचेंज भी होता रहा, अल्लामा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच भी रही। और फिर वापस आता हूँ इस बात पर कि देखें कितनी कोशिश की मुसलमान ने हिंदुस्तान के अंदर पुरअमन तौर पर रहने की, कितनी कोशिश की। यानी ये इन लोगों के जो मेरे लीडरान हैं इनकी सोच के अंदर आपको कैफियत मैंने बताई कि 1857 से लेकर 1930 तक और 1930 के बाद भी अ मुस्लिम एंटिटी विद इन इंडिया, ये सोच तो मेरा ख्याल से 1936-37 तक ये कोशिश जारी रही, अ मुस्लिम एंटिटी विद इन इंडिया अंटिल 1940 का रेजोल्यूशन, उसके बाद भी कोशिश जारी रही अ मुस्लिम एंटिटी विद इन इंडिया। और आज आप देखें उस हिंदुस्तान को जहां पर हम रहना चाहते थे जिसके साथ, और जब तक हमारे लीडरान ने कौम को ये नहीं बताया कि इनके यहाँ तो तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा तरक्की का और इंसाफ का। और आज सुबह मैं एक छोटी सी क्लिप देखता हुआ आ रहा हूँ जिसका मुझे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी इंडिया में हैं। और वो कैफियत ये थी कि एक दुकान थी खाने की जो मुसलमान बच्चे थे जो उसको खोला हुआ था, और उनको एक मॉब मोटरसाइकिलों पर आकर गालियाँ दे रहा था कि बंद करो आज दिवाली है, बंद करो वरना आग लगा देंगे तुमको। ये कैफियत उस मुस्लिम इंडिया की है आज, जो बेचारे रह गए मेरे रिश्तेदार भी रह गए। तो अल्लामा ने और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और सारी मुस्लिम लीडरशिप ने अपनी पूरी कोशिश की। खैर वो तो हो रहा है, वो तो अपनी तारीख को मिटा रहे हैं, क्योंकि वो एक फ्रेंच ऑथर है, हमेशा वक्त पर नाम भी भूल जाता हूँ, वो एक चेक ऑथर था जो फ्रेंच नावलिस्ट भी बना। उसने लिखा कि अगर कौमों को मिटाना है तो पहले उनकी तारीख ख़त्म करो, मिटाओ, फिर उनका कल्चर मिटाओ, फिर उनकी ज़बान मिटाओ, फिर नई तारीख रकम करो, फिर नया कल्चर बनाओ, फिर ज़बान से उनको दूर कर दो। ये हिंदुस्तान के अंदर वाकई ये कैफियत चल रही है, उनकी तारीख मस्क की जा रही है, मुसलमान को एक ईविल के तौर पर आगे दिखाया जा रहा है, ज़बान को भी ख़त्म किया जा रहा है। और फिर उसकी अक्कासी सारे हिंदुस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान का जो काफ है कश्मीर उसके अंदर भी आप ये देखते हैं उसी चीज़ की अक्कासी है। अच्छा तो ये अपने आप को आग लगा रहे, हमें तो सिर्फ ये अफसोस है कि हमारे रिश्तेदार वहाँ मुसलमान वहाँ ये अपने आप को आग लगा रहे, हमें दूसरा अफसोस ये होगा कि ये आग खुद लगाएंगे, उसका बर्डन भी हमारे ऊपर डाला जाएगा।
तो ये तो आगे मुसलमान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ये उस विजन के तौर पर वापस आ जाएं हम, जिसके अंदर फिर हमें इन चीज़ों से निकलना होगा। और कैसे निकलना होगा? और निकलना ऐसे ही होगा कि वही इल्म जिसकी बेचैनी से, जिसकी बेचैनी के हवाले से अल्लामा ने और सर सैयद अहमद ख़ान ने और आप जैसे उस्तादों ने यहाँ पर एक कैफियत पैदा की है कि उसको इल्म की तलाश को तलाश किया जाए। और फिर वो फिर जोश आता है, मुझे तो ऐसी चीज़ों को पढ़कर जोश आता है कि उठ के खुर्शीद का सामान सफ़र ताज़ा करें, वाह वाह उठ के खुर्शीद का सामान सफ़र ताज़ा करें, नफ्स सुख्ता शाम व सहर ताज़ा करें। कुछ नहीं इसके अंदर, देखो एक है इस्लामी तारीख के अंदर आप अगर एक बात देखें तो एक जिसको मैं कहता हूँ कि तारिक बिन ज़ियाद मोमेंट है। ये कौमें बनती हैं यहाँ पर, कौमें तेल ब्रिक एंड मोर्टर से नहीं बनती हैं, कौम यकीनन नहीं बनती। जो अल्लामा ने कहा कि जहाँ ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद के संग व खिश से होते नहीं जहाँ पैदा, तो तारिक बिन ज़ियाद मोमेंट क्या था? तारिक बिन ज़ियाद मोमेंट यह था कि किश्तियाँ जलाई गईं, और आज तक सारी कौमें मुसलमान कौमें इसको याद करती हैं, किश्तियाँ जलाई गईं। किश्तियाँ जलाने का एक फैक्चुअल कैफियत क्या थी? ये नहीं था कि किश्तियाँ जलाने से कोई सामान हर्ब के अंदर बढ़ जाए कोई चीज़, बल्कि कम हो गई। इसको तैयार किया गया, दैट्स द तारिक बिन ज़ियाद मोमेंट। ये जहन को तैयार किया कि तुम्हारे पीछे चॉइस ही कोई नहीं है, इस वक्त भी पाकिस्तान के पास कोई चॉइस ही कोई नहीं है सवाए इसके कि इल्म हासिल करें, सवाए इसके कि वो जज्बा भी रखे। देखो इल्म बगैर जज्बे के हम जैसे लोग बन सकते हैं, प्रोफेसर भी होंगे, शागिर्द पढ़ाने वाले उस्तादा भी होंगे, मगर एक कॉम्बिनेशन है जो इल्म के साथ ताकत देता है और इस बात के काबिल बनाता है कि पाकिस्तान को हम डिफेंड भी कर सकें। अच्छा, और डिफेंस भी इस वक्त सामान हर्ब जो है वो भी ब्रिक एंड मोर्टर वाला डिफेंस नहीं, अब ज़माना भी बदल रहा है। मेरी गुफ्तगू सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसरान के साथ जब होती है और वाइस चांसलर्स के साथ होती है तो भी यही होती है, कहता हूँ ब्रिक एंड मोर्टर कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस कंट्री। रास्ता हो सकता है ब्रिक एंड मोर्टर, यकीनन सारे रास्ते ब्रिक एंड मोर्टर से बनेंगे, मगर जो इंटेलेक्चुअल सोच है आज दुनिया के अंदर, आईटी की जो सोच है, जो इल्म बढ़ गया, जो डेटा हर तरफ मौजूद है, आँखों से ज़्यादा अब कैमराज मौजूद हैं हर तरफ, जो उसके उसका एनालिसिस करेगा, तेल बजाते खुद बेकार जब तक वो मशीन में नहीं डाला जाए, डेटा बजाते खुद बेकार जब तक वो अकल के अंदर एनालाइज ना हो, तो मुसलमानों की तरक्की का राज और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरक्की का राज जो मुझे डियर है और जिसके लिए अल्लामा इंस्पायर करते हैं, मेरे मज़हब के अंदर से तलाश करके वो चीज़ें जो छुपी हुई थी वो लोगों के दिलों में और लोगों के जहनों के अंदर वो सैलाब क्रिएट किया, उस सैलाब को दोबारा हमने इसी अंदाज से तेज़ करना है। कभी जुल्म के अंदर पिस कर वो इंसान निकलता है, कभी अकल से खुद ही आगे निकलता है। जुल्म के से भी पिस चुके हम, जो हुआ है हमारे साथ दुनिया के अंदर, अकदार और मोरालिटी की अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, पैसे की, तिजारत की, कश्मीर में जो जुल्म होता रहे मगर तिजारत और पैसे के एतबार से जो इंडिया का असर रसूख है तो जुल्म होता रहे। तो इस वक्त दुनिया इस्लाम जो अल्लामा बात करते हैं, दुनिया इस्लाम एक कदर की तलाश में है, एक विजन की तलाश में है, और इधर उधर आप देखें तो बहुत कम नज़र आता है ऐसा विजन कि जो इस्लाम को लेकर खड़ा हो और इंसाफ और मोरालिटी की दुनिया कायम करे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा का सबसे बड़ा पैगाम, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, जो वलीद इकबाल साहब ने कहा कि जनाब उसका साइंटिफिक सर्च उनकी और फिर लीडरशिप है ना, और उस लीडरशिप के अंदर मुझे इस वक्त पाकिस्तान बड़े एक सुनहरे मुकाम पर नज़र आता है कि जहाँ से उस लीडरशिप को आगे किया जाएगा। लिहाजा मैं सिर्फ आखिर में ये बात कहूँ अल्लामा की ज़बान के अंदर, अफराद के हाथों में है अक्वाम की तकदीर,
हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो शुक्रिया फातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।